और उसके अलावा ये भी लिखवाता हूँ कि 4 हफ्ते के अंदर अगर ये बंदा गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवाता तो फिर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का पूरा हक मैं रखता हूँ। तो यार ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तभी गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी एक साइड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। और टॉपिक ये है कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं या मोटरसाइकिल, तो फिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप कोई सेल्स एग्रीमेंट साइन करने लगे तो उससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सेलर के पास हैं, ताकि जब आपने सेल्स एग्रीमेंट साइन कर ली है और उसके बाद अगर आप एक्साइज जा रहे हैं गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, तो आपकी गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बड़ी ही इजीली स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। और अगर ये चीज़ें ना हुई सेलर के पास और कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है और फिर आप एक्साइज चले गए, तो फिर आपकी गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होने लगी और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा गौर से हर चीज़ को सुने, ताकि आप वो तमाम टिप्स सीख सकें जिनसे आप क्रॉस मैच कर सकेंगे डिटेल्स और ये मेक श्योर कर सकेंगे कि ये गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जेन्युइन हैं। तो देखें ये कि जी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के ऊपर बेसिकली मैं एक बड़ी डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्साइज के साथ कैसे हो सकती है। तो गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए आपको सेलर का CNIC चाहिए होता है, आपका अपना CNIC हो गया, ओरिजिनल फाइल चाहिए होती है। ये अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ओरिजिनल फाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनको किस तरीके से क्रॉस मैच करना है। चौथी चीज़ आपको जो चाहिए होती है स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स का जेन्युइन होना बड़ी बड़ा ज़रूरी है। अब नंबर प्लेट्स एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि पंजाब में तो अभी तक 2019 में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई थी मोस्टली उनको अभी तक नंबर प्लेट्स नहीं मिली, तो फिर ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। बाकी लेकिन आजकल तो जो यूनिवर्सल नंबर वाली प्लेट्स हैं वो तो निकल रही हैं, और 2019 से की कुछ गाड़ियाँ और उनसे पहले गाड़ियों को भी नंबर प्लेट्स मिली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ओरिजिनल फाइल, अब ओरिजिनल फाइल के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ओरिजिनल फाइल के अंदर सेल्स इनवॉइस होनी चाहिए, सुजुकी के केस में सेल्स इनवॉइस फॉर रजिस्ट्रेशन और सेल्स इनवॉइस फॉर वेरिफिकेशन होती हैं, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से सेल्स सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन और सेल्स सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये ओरिजिनल फाइल के अंदर होते हैं। पांचवा डॉक्यूमेंट फॉर्म एफ होता है। छठा डॉक्यूमेंट जो होता है जो बायर होता है उसके जो है CNIC अटैच होता है फॉर्म एफ के साथ, और उसके ऊपर डी फेस्ड की स्टैंप लगी होती है जो CNIC है। इसी तरीके से डी फेस्ड की स्टैंप सेल्स इनवॉइस फॉर वेरिफिकेशन, सेल्स इनवॉइस फॉर रजिस्ट्रेशन और सेल्स सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन और सेल्स सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, ये चारों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी तीन तीन डीफेस्ड की स्टैंप्स होती हैं, और जो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसकी भी स्टैंप इनके ऊपर होती है बशमूल फॉर्म एफ। फॉर्म एफ के ऊपर डीफेस्ड की स्टैंप नहीं होती। अच्छा जी, अब ये डॉक्यूमेंट्स जब आपने देख लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फाइल के अंदर है, अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट सेल्स इनवॉइस और सेल्स सर्टिफिकेट के ऊपर आपने इंजन नंबर चेसिस नंबर देखना है, क्रॉस मैच करना है, और फॉर्म एफ के ऊपर भी जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है वो क्रॉस मैच करना है, और ऑनलाइन गाड़ी की आपने वेरिफिकेशन करनी है और उसके ऊपर इंजन नंबर आता है चेसिस नंबर नहीं आता, आपने वो इंजन नंबर भी क्रॉस मैच करना है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक हो गया जी, अब आपने सेकंड क्या चीज़ करनी है, ऑनलाइन व्हीकल प्राइस जो आ रही है आपने वो प्राइस मैच करनी है जो सेल्स इनवॉइस के ऊपर प्राइस है। ठीक हो गया, ये भी एक तरीका है जेन्युइननेस चेक करने का, जो ऑनलाइन व्हीकल प्राइस आ रही है वही सेल्स इनवॉइस के ऊपर प्राइस होनी चाहिए, और जो ऑनलाइन गाड़ी का कलर आ रहा है वही कलर सेल्स इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये चार तरीके आपको पता लग गए। अब पांचवा तरीका ये कि सेल्स सर्टिफिकेट के ऊपर भी इनवॉइस नंबर होता है और सेल्स इनवॉइस के ऊपर डेफिनेटली इनवॉइस नंबर होता है, ये आपने इनवॉइस नंबर्स ये आपस में मैच करने। ठीक हो गया जी, छठी चीज आपने देखना है कि सेल्स इनवॉइस नंबर, सेल्स सर्टिफिकेट और फॉर्म एफ के ऊपर जो बायर का नाम है वो सेम होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें कर लेंगे आप और अगर सब चीजें सेम हैं तो इसका मतलब है कि गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपस में क्रॉस मैच करते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी अंदर नहीं है, तो फिर इट्स फाइन, आप फर्दर आगे चलें और फिर जो बाकी स्मार्ट कार्ड के ऊपर जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है उसको भी क्रॉस मैच करें और नंबर प्लेट्स को भी देखें कि ओरिजिनल है या नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तभी गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी एक साइज में। अब डेफिनेटली केस टू केस वेरी करता है, इन इस ओरिजिनल फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी आप जो परचेज करने जा रहे हैं उसने आगे किसी से खरीदी थी तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑलरेडी एक TO फॉर्म लगा होगा और उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगी होगी।
तो इस तरीके से ये आपने भी क्रॉस मैच कर लेना है कि टीओ फॉर्म जो है वो उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस मैच करती हैं। तो इस तरीके से आपने प्रिपेयर होके जो है जाना है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तब आप अपनी जो है सेल्स एग्रीमेंट साइन करें। और एक और चीज़, अगर आप गाड़ी सेकंड हैंड परचेज करने जा रहे हैं, यूजली मैं तो लाजमी ये करता हूँ कि मैं एक सेल्स एग्रीमेंट भी लाजमी ड्राफ्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं क्लियरली मेंशन करवाता हूँ कि आज की तारीख जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट हो रहा है, इससे पहले जो भी फाइन हो गया या जो भी डिस्क्रिपेंसी थी या गाड़ी के ऊपर जो भी वाजिबात थे उसका जिम्मेदार ये शख्स है जिससे आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी, और इसके बाद मैं जिम्मेदार हूँगा। और कोशिश करें कि गाड़ी ट्रांसफर ओपन लेटर पे ना लें, आप गाड़ी हमेशा जेन्युइन फर्स्ट ओनर से ही गाड़ी परचेज करें डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप ओपन लेटर पे खरीदेंगे तो वो ओनर आप तलाश करते रह जाएंगे, वो ओनर कहाँ है, अगर वो खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई हुई थी फिर ओनरशिप ट्रांसफर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट हैंड गाड़ी परचेज करें उस ओनर से ताकि आप सेफ साइड पे रहें, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स करने हैं। सेल्स एग्रीमेंट की बात मैं कर रहा था, उसके ऊपर आपने अपने आप को जितना सेफ साइड पे रख सकते हैं आपने करना है, ठीक है जी। ये सेलर के लिए भी ज़रूरी है, परचेजर के लिए भी ज़रूरी है। और मिसाल के तौर पे मैं बहुत इस चीज़ को मेक श्योर करता हूँ कि जिसको मैं गाड़ी बेच रहा हूँ वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करवाए, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करता हूँ लाजमी, और उसके ऊपर बाकी जो चीज़ें मैंने पहले मैंशन की वो भी लाजमी लिखवाता हूँ, और उसके अलावा ये भी लिखवाता हूँ कि 4 हफ्ते के अंदर अगर ये बंदा गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाता तो फिर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का पूरा हक मैं रखता हूँ। तो फिर होता ये कि अगर 4 हफ्ते में वो गंदा ट्रांसफ़र नहीं करवाता तो फिर मैं सीधा एक्साइज के दफ्तर में एक दरख्वास्त देता हूँ ईटीओ को और कहता हूँ कि इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है इसको मुअत्तल किया जाए क्योंकि ये एग्रीमेंट का इसने इनहराफ किया है, जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था, और ये ट्रस्ट मी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाती है और फिर वो बंदा भागा फिरेगा और वो लाजमी गाड़ी की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करवाएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप नहीं ये रिस्क ले सकते कि आपकी नाम की गाड़ी आप कहीं, मिसाल के तौर पर मैं बहावलपुर से, वो गाड़ी फिर रही है कहीं गुजरा वाला और कुछ मिसयूज हो रहा है, और एट द एंड फिर सबसे पहले जब वो किसी सिक्योरिटी कैमरा में गाड़ी आएगी तो सबसे पहले आपका ही नाम निकलेगा और सबसे पहले आपके ऊपर ही मुकदमा और गिरफ्तारी होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये काम आप अपने आप को साइड पे रखें, ये शिक लाजमी लिखवाएं सेल्स एग्रीमेंट के अंदर, अगर 4 हफ्ते के अंदर इसने गाड़ी ना ट्रांसफ़र करवाई तो फिर रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। तो इससे जो है आप इन कंट्रोल रहेंगे। 4 वीक्स कानूनी टाइम भी होता है क्योंकि ट्रांसफ़र डीड जो होती है वो 28 डेज के लिए वैलिड होती है, 30 डेज के लिए वैलिड होती है, तो इतना टाइम तो आपने बिल्कुल देना ही है, देना है कानूनी तौर पर, इससे कम आप टाइम ही कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आई थॉट कि आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूं। टोकन टैक्स का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है, ऑनलाइन चेक करें, टोकन जो टैक्स है वो अप टू डेट होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई शॉर्ट नहीं होने चाहिए टोकन वगैरह। तो ये चीज़ें हैं जिनकी आप अगर मालूमात अपने पास रखेंगे तो ये चांसेस जो हैं कम से कम होते जाएंगे कि आपके साथ कोई हाथ कर सके या फ्रॉड कर सके। आई थॉट कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। आई होप कि इससे वाकई जेनवनली आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि अगर आप गाड़ी सेकंड हैंड परचेज कर रहे हैं तो उस गाड़ी की जेनवननेस, जो एक्सटीरियर बॉडी वाइज कोई पेंट नहीं है, इसके लिए अगर आप बड़े शहर में इस्लामाबाद लाहौर वगैरह में, तो फिर पार्क व्हील्स की सर्विस आप लाजमी यूज़ करें, मैं लाजमी यूज़ करता हूँ और कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। इससे ये कि वो चीज़ें, जैसे हमें गाड़ी का कोई आइडिया नहीं होता, पार्क व्हील्स वो बहुत प्रोफेशनल हैं और वो हर चीज़ चेक करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है। इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो भी बना चुका हूँ कि पार्क व्हील्स की रिपोर्ट जो आपको मौसूल होती है वो कितनी कॉम्प्रहेंसिव होती है, वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।